एक्सो फाउंडेशन की तरफ से एपीजे अब्दुल कलाम ड्राइंग और निबंध प्रतियोगिता 2.0 19 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया, जिसमें 500 छात्र छात्राओं ने उसको पुरस्कार वितरण किया गया। कार्यक्रम 20 मार्च 2022 को आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अजमल प्राइवेट वीडियो, अवैदुर रहमान अध्यक्ष रहमान के 30, प्रणव कुमार एएमडी सुपर 30, एआर मोहम्मद खुर्शीद आलम निदेशक इकरा एकेडमी, मेयर मुन्नी देवी को सम्मानित किया गया। मौजूद इस प्रोग्राम में 140 बच्चों को प्राइज दिया गया। उसके साथ कोरोना वॉरियर के लिए प्रयास एनजीओ कबीर सेवा संस्था को भी सम्मान दिया गया। साथ उन्हें बाहर की दुनिया दिखानी बहुत जरूरी है, ले आकर के कि देखो गरीब लोग किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं। अपने बच्चों को आप दिखाइए, अपने बच्चों को उनसे मिलवाइए और उस तरह से उनसे कुछ काम करवाइए समाज के लिए। तो ऐसे हम करेंगे तो नहीं, हमारे बच्चे भी अगर छोटे बच्चे तो उनको भी लेके आइए। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे छोटे बैठे हुए हैं, उन्होंने ड्राइंग कम्पिटिशन और अभी जो इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और प्राइज फाउंडेशन का जो शादाब सर और काशिफ सर ने मिलके ये शुरुआत की, सही में शुरुआत की जा सकती है लेकिन दिल में सही इच्छा होनी चाहिए उसको शुरुआत करने के लिए। क्योंकि अभी ये यूथ फाउंडेशन है, इसका मतलब कि यूथ ही कर सकते हैं ये काम, क्योंकि बड़े लोग ने तो बहुत कुछ करके दिखा दिया और उनके हम लोग को उनके नक्शे कदम पर चलना है। जब हमारी सोसाइटी में हमारी अगर सोच होगी और हमारे आसपास जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उन तक सही इंफॉर्मेशन देना, क्योंकि जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज में जागरूकता करके उनको सही एजुकेशन देना, जिस तरह वो बच्चे पढ़ना चाहे उनको आगे बढ़ाना, तभी हम कुछ कर सकते हैं। सिर्फ खुद की एजुकेशन पढ़ के खुद आगे बढ़ना हमारा समाज का ये डेवलपमेंट नहीं है और ना हमारे किसी भी चीज का ये डेवलपमेंट। सुनी वो बात की नहीं? अगर नहीं सुनी तो मैं एक्सो यूथ फाउंडेशन की जो आवाज है वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि एक्सो यूथ फाउंडेशन आपसे ये कह रहा है कि हाथ में हाथ क्यों नहीं देते, हाथ में हाथ क्यों नहीं देते, तुम मेरा साथ क्यों नहीं देते। आज एक्सो यूथ फाउंडेशन को पूरे हिंदुस्तान से कॉपरेट मिल रहा है, जब से ये एनजीओ सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो गया है। आपको दरभंगा और दरभंगा शहर के अलावा हिंदुस्तान और बैरूने मुल्क से भी इस एनजीओ को ताउन हासिल हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मजमा है इस सराउंडिंग का, इस गर्दनवा से जो आया हुआ है, ये भी अपना ताउन हासिल करके एक्सो यूथ फाउंडेशन को मजबूत बनाए, जिसके लिए दो डोनेशन बॉक्स रखा गया है, एक स्टेज के सामने और एक गेट के पास रखा गया है। जो लोग अपना माली ताबून देना चाहते हैं, आपका एक रुपया भी बहुत दिल से और खुशी के साथ कबूल होगा, इसलिए कि कतरे कतरे दरिया में शब्द, कतरा कतरा मिलकर ही दरिया बनता है। तो जो लोग देना चाहते हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे कि दो डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है उसका इस्तेमाल करें। और मोहित सर प्रोग्राम को आगे लाइन में जुड़ा और गालिबा 6 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और उसके बाद मुझे काशिफ शादा इन जैसे लोगों से मुलाकात हुई और मेरा हौसला और हिम्मत बढ़ता रहा। एक्सो यूथ फाउंडेशन स्कूल दोनों वही काम कर रहे हैं, तो गोल है वो सेम है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको किसी तरह की भी अगर मदद चाहिए, अलीगढ़ पब्लिक स्कूल उसके लिए हमेशा खड़ा है, उनको हर एतबार से मदद करेगा, चाहे वो मोटिवेशन के लेवल पे हो, चाहे वो एजुकेशन के लेवल पे हो, चाहे वो गाइडेंस के लेवल पे हो, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो, हम हर चीज़ के लिए हमेशा खड़े हैं। और जो चीज़ें हैं कि सर ने बताया कि एक जज्बा होना चाहिए इंसान को, एक इंसान की जो चीज़ें होती हैं। मैं एक्सो यूथ फाउंडेशन की मेंबर हूँ, ये हमारा फाउंडेशन है। हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसे शराब सर ने बताया, बाकी सब ने बताया, और ऐसे ही हम लोग अच्छे अच्छे काम करेंगे।
आप आए हमारे प्रोग्राम को सम्मानित करें। इसमें गेस्ट के तौर पे कौन लोग मौजूद हैं यहाँ पे? जी गेस्ट के तौर पे अजमल सर है, उबैदुर सर है और रहमान सर है और वो मुन्नी जी हमारे मेयर है, मुन्नी देवी जी। अच्छा ये बताइए कि प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो कौन कौन लोग को प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जी? प्राइस किस किस लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया गया? वो तो सरप्राइज है, वो अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा, जैसे जैसे प्राइस मिलेगा वैसे वैसे, वो हमें भी नहीं पता है तो वो धीरे धीरे पता चलेगा। मैं इस फाउंडेशन की मेम्बरशिप हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर अभी ये मैं यहाँ रहती नहीं हूँ एक्चुअल में, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, और ये अभी हमारे सर सब बड़े बड़े हस्ती लोग पीछे आए हैं, देख सकते हैं आप। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2019 में। इसको शुरुआत करने का मकसद क्या था? बच्चे जो भी गरीब बच्चे हैं, जो अनएजुकेटेड है, जो मतलब पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसके पास पैसे की कमी है, इसके इस सब सिचुएशन को देखते हुए जब सर्वे किया गया देखा गया कि बहुत मतलब बच्चे लोग हैं जो पढ़ना चाह रहे लेकिन नहीं पढ़ पा रहे, तो इसको सोचते हुए हम लोगों ने ये सिर्फ दरभंगा का आंकड़ा कलेक्ट किया गया कि ऑल ओवर इंडिया कोई भी बच्चा, और इसका जो भी जो डोनेट कर रहा है वो आउट ऑफ इंडिया भी, NRI भी है, UAE भी है, बहुत सारे लोग हर जगह से डोनेट कर रहे हैं। कितने बच्चे लोग को अब तक मदद पहुंची है? लगभग अभी फिलहाल 25 है, अदरवाइज आगे जितना भी जो भी आएगा उसको हम लोग कोऑपरेट करेंगे। सिर्फ एजुकेशन में ही मदद करते हैं? अदरवाइज फ्लड में हो गया, फिर मतलब इंटरनली भी कोऑपरेट करते हैं, इसको नाम जो ओपन नहीं किया जाता है लेकिन उनका सपोर्ट किया जाता है। अपना परिचय? मेरा नाम शाहिन नौशाद है। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ इकबाल हुआ, मैं एक दो ये फाउंडेशन का मेम्बर हूँ। बीते 4 सालों से ये प्रोग्राम, ये फाउंडेशन काम कर रहा है। शुरुआत तो हम लोगों ने उन बच्चों से किया था जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ाई करने को लेकर, तो उनकी पढ़ाई को पूरी करने के लिए हम लोगों ने 25 बच्चों का सिलेक्शन करवाया, और इसके बाद सिर्फ एजुकेशन वाली फील्ड नहीं बल्कि लॉकडाउन फ्लैट सारी जगह काम करना होगा हमारे, और 11 नवंबर 2021 में भारत सरकार से हमारे फाउंडेशन को सर्टिफिकेशन मिल गया, तो कई सारे जगह से डोनेशन वगैरह आ रहा है। हम सभी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे फाउंडेशन का सपोर्ट करें जहाँ तक हो सके, इकोनॉमिकली हर तरह से आपकी जरूरत है। जी आपकी संस्था जो प्रोग्राम कर रही है वो किस बेसिस पे कर रही है और क्या मकसद है इस प्रोग्राम को करने का? संस्था का नाम है यूथ फाउंडेशन। 3 सालों से ये संस्था जो है एजुकेशन लाइन में वर्क कर रही है, बट अभी जैसे लॉकडाउन आया था तो लॉकडाउन में हम लोगों ने जंप किया, फ्लड आया था फ्लड में भी हम लोगों ने जंप किया, और आगे ये संस्था हर फील्ड में काम करेगी, फर्दर हेल्थ में काम करेगी, जो भी जहाँ भी लोगों को ज़रूरतें आएंगी ये संस्था वहाँ अपना काम करेगी। संस्था का क्या नाम है? एक्सो यूथ फाउंडेशन। ये किस जगह पे है? ये महाराजगंज में है, इसका ऑफिस भी महाराजगंज में। ये संस्था भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, और अभी जो इस प्रोग्राम में हम लोग तशरीफ लाए हैं वो है एक्सो फाउंडेशन APG अब्दुल कलाम ड्राइंग एंड इसरो कंपटीशन 2.0। इसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम 20 मार्च को आज है, जो जिसका एग्ज़ाम 19 दिसंबर 2021 को हुआ था और 26 दिसंबर 2021 को हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे कौन लोग अभी इसमें मुख्य अतिथि के तौर में BDO अजमल परवेज हैं, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर में अब्दुल रहमान सर चेयरमैन ऑफ रहमान स्टडी और बिहार फाउंडेशन के हिस्से एंड प्रणव कुमार MD सुपर स्टडी। अपना परिचय? मेरा नाम शादाब आलम है, मैं एक्सो यूथ फाउंडेशन का मेंबर हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मोहित अख्तर हुआ, मैं इस एक्सो यूथ फाउंडेशन के मेंबर हूँ 4 सालों से। इस एक्सो यूथ फाउंडेशन का मेन पर्पस था कि कैसे बच्चों के अंदर का जो इनर पावर है ना उनको बाहर निकाला जाए, नाम ही इसलिए हम लोगों ने चूज़ किया था एक्सो, जो कि बाहर उसके अंदर के टैलेंट को बाहर निकालते हैं। इसके बाद जब हम लोग इस फील्ड में आए तो सोचा गया कि सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, मल्टी डायमेंशनल हम लोग काम करते हैं कि हर क्षेत्र में, और उसी तरह से हम लोगों ने बहुत सारा काम किया, जैसे कोरोना में काल में भी हम लोगों ने काम किया, फ्लड के में भी काम किया गया, और बहुत अच्छे से वर्क किया जा रहा है। अब तक हमारे
इस फाउंडेशन 25 स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है अपने खर्चों पे। और कल ही एक बच्चा यहाँ काम करने आया हुआ था, उनको भी हम लोग जब मोटिवेट किए तो बच्चा पढ़ने के लिए एक्साइटेड हुआ, वो भी बोला कि हमको भी पढ़ाई तो हम लोग आगे भी उनके भी काम करेंगे। ओके थैंक यू। अपना परिचय, मेरा नाम मोहम्मद मोहित अख्तर, आप मेंबर हुए जी इसी फाउंडेशन के मेंबर हैं।